बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इट्स आवर सिक्स स्टैंडर्ड एंड द बुक वी कंसल्टेड इज सिक्स एंड आवर टुडेज चैप्टर इज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। आवर टुडेज चैप्टर इज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। हाँ तो बच्चों, हम ये आज सिक्स की बुक से आप एक सबक नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक नया सबक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका क्या नाम है, स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। यानी स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी का क्या मतलब है, स्ट्रगल कहते हैं कोशिश, जदोजहद फॉर इक्वलिटी, यानी बराबरी के लिए जदोजहद करनी, कोशिश करनी, अपनी पहचान को बनाने के लिए कोशिश करनी, समाज में एक जैसा सबके साथ व्यवहार हो उसके लिए कोशिश करनी, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। तो क्या है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडियंस इक्वल अंडर द लॉ टू सच इन एक्सटेंड दैट नो इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रिलीजन सेक्स कास्ट और वेदर रिच और पोर स्टेशन। यानी हिंदुस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तानी जो आईन है, इसके मुताबिक जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, उनमें अनइक्वलिटी नहीं पाई जानी चाहिए। यानी जो जिस मज़हब से है, जो जिस जात से है, जो जिस नस्ल से है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, तो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, कोई भेदभाव उनमें नहीं होना चाहिए। All adults in India have right to vote in electing government, and this control over the ballot has been utilized by individuals to choose or change their representative since independence. हिंदुस्तान के जितने भी adults हैं, जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको एक हक दिया गया है, उनको एक हक दिया गया है। किसका हक दिया गया है? उनको वोट डालने का हक दिया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का जो आईन है, इस आईन के तहत हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी को जो जिसकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर हो, 18 ईयर से वो हो, तो वो क्या, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम चला जाता है, उसकी ये मर्दमशुमारी के जरिए वो वोटर लिस्ट पर चढ़ जाता है उसका नाम, और उसको ये राइट मिल जाता है कि वो अपने फ्रीली आज़ादन तौर पे अपना क्या करे, वो वोट कास्ट करे, वो जिसको चाहे मर्जी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले, जिसको भी मर्जी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले। तो ये अमल कब से स्टार्ट हुआ है? जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से तब से ये अमल जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो अपनी मर्जी से ये, इस पर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, इस पर कोई इसको दबाव नहीं दिया जाएगा, बल्कि अपनी मर्जी से ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। ओके, However, the feeling of equality on the basis of one vote, one person does not extend to all. यानी ये जो feeling है equality की, ये on the basis of one vote, किस base पे, एक vote पे, one person को एक vote does not extend to all, ये हर एक के लिए extend नहीं है. Poor people are neglected and these people do not get justice in matter of health, education, extra. यहाँ पे क्या होता है हिंदुस्तान में कि जो पोअर पीपल हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है, उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाता है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो और कोई सेक्टर हो, तो जो पोअर तबका है हिंदुस्तान का, उनको उसमें इंसाफ नहीं मिलता है। डोमेस्टिक हेल्पर्स, स्मॉल फार्मर्स, other work in hardships due to poverty and lack of resources. यानी जो helpers वगैरह होते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, और जो छोटे तबके के लोग होते हैं, वो मेरी बड़ी मेहनत करते हैं, जो मजदूरी, जो गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके पास resources जो हैं वो नहीं होते हैं। People also face discrimination on ground of religion, caste and gender in India. तो हिंदुस्तान में क्या होता है, मज़हब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, उसके बाद सेक्स की बुनियाद पे क्या किया जाता है, इनके साथ भेदभाव किया जाता है। ओके बच्चों, हम अब इसका कुछ लिखेंगे यहाँ पे।
मैच पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडियन इंडियन और इक्वल और इक्वल अंडर द लॉ ऑफ अंडर द लॉ ऑफ सॉरी अंडर द लॉ टू सच सच इन एक्सटेंट दैट नो इंडिविजुअल दैट There is no individual can be discriminated against religion sex मजहब की बुनियाद पे या पे उसके बाद उनके सेक्स की बुनियाद पे स्टेशन Or whether rich or poor, or whether rich or poor. Number one है इसका. Number two, all adults in India have right. All adults in India have right to vote in electing their government their government and this control and this control over the bullet over the bullet or the sorry all the bullet has been utilized utilized by individuals by individuals to choose our change their representative
representative sense independence. Sense independence. यानी जितने भी अडल्ट हैं जिनकी उम्र भी 18 साल से वो है, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से यूटिलाइज करें अपने वोट का, और अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चुन सके। ये कब से उसको ये इनको इख्तियार हासिल, सेंस इंडिपेंडेंस, आजादी से। ओके, बारे आप स्ट्रगल थ्री पीपल पीपल इन इंडिया इन इंडिया फेस discrimination discrimination on ground of on ground of religion religion cost and gender हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, इनको क्या हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव इनमें किया जा रहा है, किसकी बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, या उनके जेंडर की बुनियाद पे। ओके बच्चों, तो ये यहाँ तक पढ़ लिया, कल हम इसके आगे इसका पढ़ेंगे, तवा मासा सगा, यानी TMS, ये है क्या, एक फेडरेशन है, ये वर्क कर रहा है ACP। ओके, थैंक्स।